नमस्कार, और आप देख रहे हैं पर्दा। शहर टोना टोहाना पुलिस ने गुमशुदगी के बाद हत्या के मामले को सुलझाते हुए टोहाना के राजनगर में रहने वाली दिव्यांग महिला को नहर में फेंककर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान पंजाब के संगरूर जिले में गांव लेहल कला निवासी संदीप उर्फ बारू के रूप में हुई है। मृतक महिला आरोपी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया और रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर हिसार जेल भेज दिया है। टोहाना शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बारे में पुलिस को 28 जुलाई को मृतक महिला अमृत कौर के लड़के जग्गा सिंह निवासी राजनगर टोहाना की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। शिकायत में जग्गा सिंह ने कहा था कि उसकी माता संदीप उर्फ बारू के साथ लव इन रिलेशनशिप में राजनगर रहती थी। संदीप अमृत कौर के चरित्र पर शक करता था और इसी के चलते 27 जुलाई को संदीप अमृत कौर को मोटरसाइकिल पर बैठा करके पैसे निकलवाने के बहाने से साथ ले गया था। कुदनी हेड के पास नहर में धक्का देकर के गिराने का आरोप है। बाद में डबवाली में एक महिला का शव बरामद हुआ, उसकी शिनाख्त अमृत कौर के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था और बाद में संदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गत दिवस को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। पर्पल टोहाना से दीपक कुमार की विशेष रिपोर्ट। 28 तारीख को मैं सूचना मिली कि एक महिला है, 27 तारीख को किसी के साथ वो चली गई है, जिस पे उसके बच्चे ने कंप्लेंट की थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद उनके दोनों की तलाश की जा रही थी। तलाश करते करते जी हमें 5 तारीख को उसके बारे में पता लगा कि उसकी डेड बॉडी डबवाली क्षेत्र में मिली है। तो वहाँ पुलिस टीम गई, वहाँ पता किया तो उसकी शिनाख्त हो गई, उसी महिला की वो डेड बॉडी थी। उसके उपरांत उसको तलाश करते हुए जो जिसके साथ वो गई थी, तो उनके परिवारजनों ने बताया कि उसके साथ लीव रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। उसके ऊपर भी डाउट था, मैं उसको तलाश करते करते उसको हमने 6 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पता किया तो उसने बताया कि उन कह रहा था जो जिसके साथ लीव रिलेशनशिप में रह रहे थे, अलग तरह से उसके संबंध थे किसी और के साथ, उसको शक था उस चीज़ का। उस उपरांत उन्होंने क्या किया, उनका आपस में झगड़ा भी हो करता था। फिर वो उसको घुमाते हुए 6 तारीख को यहाँ से 27 तारीख को कुदनी हेड से आगे म्यों की तरफ वहाँ ले गया, बहाना बनाने के बाद वो पटड़ी पर बैठ गई, वो महिला अपाहिज थी दोनों पैरों से। उसके बाद उसको उसने नहर के अंदर धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो वहाँ से फरार हो गया, इधर उधर घूमता रहा। तो माननीय न्यायालय में कल पेश किया गया था, एक दिन का रिमांड प्राप्त करने उपरांत जिस व्हीकल पर ले गया था वो बरामद कर लिया गया है। आरोपी को टोहाना के अंदर ही गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद फिर बाद में पता लगा इसने उसके परिवारजनों को धमकी दी कि मैंने ये काम किया, उसको जो महिला थी उसको नहर के अंदर धक्का दे दिया है। तो उसके बाद वो धारा तर्क कर दी गई है, उसमें हत्या का केस की धारा लगा दी।